हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनुपमा। मैं यूके में रहती हूँ और मेरा 19 मंथ्स का बेबी है। तो मैं आज का टॉपिक सोची हूँ, बताती हूँ आप लोगों को ऑयल मसाज के बारे में, बच्चों के ऑयल मसाज के बारे में स्पेशली। तो हम लोग बहुत लोग है ऑयल मसाज करते हैं, क्योंकि हम लोग दादी, नानी और अपने मम्मी डैडी, इन लॉज, इन लोगों से सुन सुन के हम लोग ऑयल मसाज करते हैं। लेकिन हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि इसके बेनिफिट्स क्या है और सही प्रोसीजर कैसा है, कि हम लोगों को कैसे, कब, क्यों करना चाहिए ऑयल मसाज। तो मैंने सोचा है कि आज वही टॉपिक कवर करती हूँ। ऑयल मसाज के बेनिफिट्स पहले बता देती हूँ। ऑयल मसाज के सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ब्लड सर्कुलेशन, जब आप मसाज करते हो बच्चे को, तो ऑयल मसाज करते हो कोई भी ऑयल से, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है बच्चे का, तो उसका मसल्स डेवलपमेंट में भी बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा है रिलैक्सेशन। बच्चे को जब ऑयल मसाज करोगे, वो बहुत खुश रहता है, रिलैक्स कर फील करता है और उसका दिमाग भी बहुत शांत हो जाता है। और सबको पता है कि हेयर और स्किन में क्या अच्छाई है, मतलब ऑयल मसाज के क्या बेनिफिट्स है। स्किन स्मूथ होता है, ड्राई स्किन चला जाता है, स्किन में एक शाइन आता है बच्चे का और मुलायम होता है। ऐसे भी बच्चे का स्किन मुलायम ही रहता है, लेकिन और भी मुलायम हो जाता है। और जिन बच्चों को ड्राई स्किन होता है, स्पेशली जब न्यूबॉर्न बेबीज़ होता है, उन लोगों को बहुत ड्राई स्किन का शिकायत रहता है, तो वो भी चला जाता है धीरे धीरे ऑयल मसाज करने से। और हेयर में हेयर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ता है और हेयर शाइनी होता है। और एक चीज़ है कि स्किन में जो हेयर ग्रोथ है, स्किन के जो हेयर्स है, वो बंद हो जाता है। आप अगर उल्टे डायरेक्शन में मसाज करोगे, तो धीरे धीरे हेयर ग्रोथ कम हो जाता है। छोटे बेबीज़ को बहुत हेयर रहता है बॉडी में, तो वो चला जाता है। और एक नेक्स्ट है कि गैस, बच्चे को गैस का बहुत प्रॉब्लम रहता है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ को। तो गैस कैसे कम किया जाए, जब पेट का मसाज होता है बच्चे का, तो उसका जो गैस है, अंदर जो गैस है, वो निकलता है बहुत इजीली। तो उससे बच्चे अच्छे सुकून मिलता है और बच्चा अच्छे से सोता भी है। और एक सबसे क्यूट बेनिफिट है कि जो इंसान बच्चे को मसाज देता है रोज़, उसके साथ बहुत प्यारा सा बॉन्डिंग हो जाता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ, ज़रूर, मतलब हमेशा बच्चे को मसाज मम्मी या डैडी दे, किसी दाई माँ को, या इवन ग्रैनी, या मतलब कोई भी ग्रैनी, ग्रैंडपा, इन लोगों को मत दीजिए। बच्चे के साथ सबसे अच्छा रिलेशन मम्मी और डैडी का रहता है, तो प्लीज़ मम्मी और डैडी कीजिए। तो मम्मी लोग तो हमेशा करते हैं, यूजुअली मम्मी लोग ही करते हैं, और बाकी सारे काम भी मम्मी लोग ही करते हैं। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि डैडी किए, मतलब डैडी अगर करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चे के साथ, और थोड़ा सा 15-20 मिनट का मिल जाता है डैडी को इस टाइम पे। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिमाग में आता है इस टॉपिक को कवर करते हुए, कि कौन से ऑयल से मसाज करें। ऑयल बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, जो भी ऑयल हम लोग खा रहे हैं खाने के साथ, मतलब फ्राई की, मतलब घर में जो यूज़ होता है, वो ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल है या कुछ भी ऐसे टाइप के, तो मेरे डॉक्टर ने बोला था 100% जो प्योर ऑयल है, वर्जिन ऑयल है, वैसे कोल्ड प्रेस्ड कोई भी ऑयल ले लीजिए। लेकिन कोई भी ऑयल यूज़ करने से पहले आपको बच्चे के ऊपर टेस्ट करना पड़ता है, पैच टेस्ट आपको लगा के 24 आवर्स देखना पड़ता है कि बच्चे को कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है, तो आप कर सकते हो। और मेरे रिकमेंडेशन से आपको, अगर समर का टाइम चल रहा है आपके उधर, तो आपको कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल के बहुत बेनिफिट्स है। कभी मैं और दूसरा किसी वीडियो में बता दूंगी कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स पे। लकीली मेरे घर में, मेरे इन लॉज के घर में कोकोनट ऑयल घर में बनता है, तो वो लोग भेजते हैं मुझे, और मैं वही लगाती हूँ उसको समर के टाइम पे मेरे बच्चे को। और विंटर के टाइम पे मेरे लिए, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा चल रहा है मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, उसमें मैं कुछ और स्पाइसेस डालती हूँ और उसको बॉयल करती हूँ, और उससे करती हूँ मेरे बेबी का मसाज। उससे सर्दी खांसी भी कम होता है और बहुत अच्छा फील करता है, अगर उसको सर्दी लगा है तब, या सर्दी के मौसम में। इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसके कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल छोड़ के, नारियल के तेल और सरसों का तेल छोड़ के, आपको जायफल का तेल जो ऑलिव ऑयल है, उसके साथ बादाम का तेल जो आमंड ऑयल है,
ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। इवन एवोकाडो ऑयल भी बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी ऑयल यूज़ करने से पहले प्लीज़ पैच टेस्ट कर लीजिए। और किसी किसी बच्चे को जो बेबी ऑयल्स होते हैं जो बाज़ार में मिलता है, वो उससे भी प्रॉब्लम नहीं होता है, मिनरल ऑयल्स बोलते हैं जिसको, तो वो भी यूज़ करके देख सकते हो। लेकिन मैंने मेरे बच्चे पे नहीं किया है तो मैं रिकमेंड भी नहीं कर रही हूँ। मैं मुझे लगता है वेजिटेबल ऑयल्स या ऐसे आमंड ऑयल, ये सब ऑयल्स ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी आप ख़रीदो 100% प्योर ऑयल, वर्जिन ऑयल जो है, और कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल ख़रीदने की कोशिश करो। हमेशा ऑयल मसाज के टाइम पे आप कोशिश करो रूम में सिर्फ बच्चा और जो मसाज दे रहा है वो दोनों ही रहे, तो बच्चे का दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है, उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है, बच्चा शांति से मसाज ले लेता है। तो इसीलिए जो जिस रूम में आप कर रहे हो उधर सिर्फ बच्चा और जो दे रहा है वो दोनों रहे तो अच्छा है। बच्चे को मसाज करने के थोड़े देर बाद, 20 से 30 मिनट के बाद नहलाना चाहिए, तो उससे जो उसके पोर्स बंद हो गया है वो भी खुल जाते हैं, और 20-30 मिनट एनफ होता है ऑयल एब्जॉर्ब होने में बॉडी को, स्किन को। तो आपको मसाज करने के आधे घंटे बाद उस बच्चे को नहलाना चाहिए। भरे पेट में बच्चे को कभी मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पेट भरा रहता है तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आप तब मसाज करोगे तो उसको उल्टी हो सकता है या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो आप कोशिश करना कि खाना खाने के 1 घंटे बाद मसाज मिले बच्चे को, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे भी कंफर्टेबल रहता है। ठंडे ऑयल से ज़्यादा अच्छा होता है अगर ऑयल थोड़ा सा हल्का गर्म हो, बहुत ही हल्का, कि बच्चे के स्किन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप आराम से हाथ डुबा सको ऑयल के बोल में और निकाल के ऑयल लगा सकते हो ऐसा। तो अगर थोड़ा सा गर्म हो ऑयल तो उससे स्किन ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है ऑयल को। ऑयल लगाने के टाइम पे स्ट्रोक्स, मतलब जो आप डालोगे उसका तरीका होना चाहिए हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि हेयर ग्रोथ ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो आपको उल्टे डायरेक्शन में डालना है कि उसका जो स्किन का हेयर ग्रोथ है वो बंद हो जाए। इसीलिए उल्टे डायरेक्शन में धीरे धीरे करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को बहुत, मतलब दुखे ना, लगे ना, क्योंकि उसके बोन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत प्यार से लेकिन अच्छे से मसाज करना चाहिए। मसाज का बहुत टेक्निक्स है, तो मैं और किसी वीडियो में आपको करके दिखा दूँगी, तो आप फॉलो कीजिए मुझे, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो भी। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब ऑयल मसाज करते हैं नाक में और कान में ऑयल ड्रॉप्स देते हैं, वो एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है। डॉक्टर्स कभी रिकमेंड नहीं करते उस चीज़ को, क्योंकि वो लोग डालते हैं, जो लोग डालते हैं वो इसीलिए डालते हैं कि नाक और कान क्लियर होगा या साफ हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होता है। उससे उल्टा ब्लॉक हो सकता है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, और भी इसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो इसीलिए ये रिस्क मत लीजिए। जब आप ऑयल मसाज करोगे, आपको मैंने बोला है थोड़ा सा हल्का गर्म, लेकिन ये कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल ना हो। ऑयल बहुत हल्का गर्म से नॉर्मल टेम्परेचर भी ओके है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल दे के बच्चे का स्किन जला मत देना। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपका स्किन और बच्चे की स्किन में बहुत डिफरेंस है, तो आपकी स्किन में जो बहुत ही हल्का गर्म है वही बच्चे के लिए ओके है। आपके स्किन में जो थोड़ा सा, मतलब आपको अगर कन्फ्यूजन है तो थोड़ा ठंडा लग जाइए तो भी ओके है, लेकिन ज़्यादा गर्म लगा के बच्चे का स्किन डैमेज मत कीजिए। और एक चीज़ बहुत करते हैं, पहले तो बहुत ही होता था, मैंने देखा है बहुत पेरेंट्स को भी, ऑयल लगाने के बाद धूप में रखना बच्चे को, वो एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है अभी के ज़माने में। अभी डॉक्टर्स एकदम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उससे बच्चे का यूवी रेस से उसका स्किन डैमेज हो सकता है, सनबर्न होता है, और वो परमानेंट डैमेज है, वो कभी ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए ऑयल डालने के बाद कभी धूप में मत रखिए प्लीज़। बच्चे को ऑयल मसाज करने के टाइम पे और एक चीज़ है कि लोग एकदम रूम बंद कर देते हैं और फैन, एसी सब कुछ बंद करके उसके बाद ऑयल मसाज करते हैं। वो एक तरीके से सही है थोड़ा सा, कि बच्चे को ज़्यादा हवा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो उसके कोई कपड़ा नहीं डाला हुआ रहता है, लेकिन इतना भी बंद नहीं करना चाहिए कि बच्चे को सफोकेशन हो या पसीना हो या
अच्छा ना फील हो। अगर वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा तो वो मसाज नहीं लेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फ़ैन एकदम कम करके या रूम को पहले फ़ैन ऑन करके पूरा ठंडा करने के बाद फ़ैन ऑफ करके मसाज कीजिए, या तो विंडो थोड़ा सा ओपन करके रख दीजिए कि बच्चे को दम ना घुट जाए रूम में, उसको स्वेट ना हो और डिस्कम्फर्ट ना फील करे। ये सब था मेरा एक्सपीरियंस मेरे 19 मंथ्स ओल्ड बच्चे का रोज़ ऑयल मसाज करने का। बेनिफिट्स मैं बता रही हूँ आपको, और उसका इन सब ये सब करने के बाद मेरे बच्चे का बहुत बेनिफिट्स मिला है, मुझे दिखा है सारे बेनिफिट्स। तो मुझे लगता है कि ऐसे रोज़ ऑयल मसाज करने से आप लोगों को भी, बच्चे को भी बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। सारे बेनिफिट्स में एक बात मैंने बोलना भूल गई हूँ, वो है बच्चे को ठंडे लगने में, कोल्ड एंड कॉफ होने पे ऑयल मसाज बहुत बेनिफिशियल है। उसको जब भी सर्दी होता है तो मैं उसको, या एक बार भी वो अगर छींक देता है तो मैं उसको मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ उसके चेस्ट में स्पेशली, बहुत अच्छे से, और उसके हाथ में और पैर के नीचे बहुत अच्छे से ऑयल मसाज करती हूँ। उससे मैंने देखा है कि नेक्स्ट डे वो एकदम ठीक रहता है और ठीक हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। हमारे इधर बहुत सर्दी होता है, यूके में रहते हैं हम, तो उसमें भी वो बहुत अच्छा रहता है, उसको सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो ही उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज ठंडे की वजह से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और आप जब नहलाओगे बच्चे को, नहलाने के बाद भी पानी बहुत ज़्यादा गर्म मत करना, उसकी स्किन का ध्यान रखना। मैं बच्चे का स्किन केयर पे और एक वीडियो करने की कोशिश करूँगी। और बच्चे को ऑयल मसाज करने का और एक बेनिफिट है कि बच्चा बहुत अच्छा सोता है। अगर आपको बच्चे के सोने रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, अगर बच्चा सोता नहीं या रात को उठ जाता है या रोता है, तो आपको ज़रूर बच्चे के नाइट टाइम रूटीन में उसको ऑयल मसाज और नहलाना का मतलब डालना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसको ऑयल मसाज से वो रिलैक्सेशन फील करेगा और उसके बाद नहलाने के बाद वो अच्छे से सोएगा, और 8 घंटा तो सोएगा ही पक्का रात को अगर आप करोगे। और एक बेनिफिट मतलब पॉइंट है जो मैं इधर बताना चाहूँगी कि लेवेंडर ऑयल बहुत बेनिफिट, मतलब एक एसेंशियल ऑयल है एक्चुअली, तो उसका बहुत बेनिफिट्स है। उससे बहुत अच्छा फील होता है, मतलब एक सूदिंग फील आता है और बहुत अच्छा नींद आता है। वो पेरेंट्स के लिए या बच्चे के लिए, सबके लिए लागू होता है। बच्चे को अगर आपको डालना है तो आप उसके पिलो में या बेडशीट में या उसके कपड़े में एक एक ड्रॉप लगा दोगे तो वो अच्छे से सोएगा। इसके साथ लेवेंडर के स्मेल में बहुत सारे बाथ प्रोडक्ट्स भी मिलता है अभी, तो आप वो सब भी ट्राई कर सकते हो। जो जो मैंने बताया है सब कुछ फॉलो करने से पहले हो सके तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। एक पेरेंट भी सबसे अच्छे से मतलब पता कर सकता है कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए उसके साथ। तो इसीलिए आप सबसे ज़्यादा अच्छे जज हो। मैंने जो जो पॉइंट्स बोला है, आप ज़रूर अपने बच्चे के साथ ये सब कीजिए, ऑयल मसाज एटलीस्ट कीजिए, और उससे उसको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेगा ही। तो आप देखिए, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे के स्किन का क्या कंडीशन है वो तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मेरे बच्चे को बहुत बेनिफिट्स मिला है और यही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, चाहती थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर हिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और अगर और किसी पेरेंट को आप पहचानते हो जिसके लिए ये सब पॉइंट्स यूज़फुल है तो उसके साथ